हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची एंड वेलकम टू एनिवडा। तो आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ हमारे आज के ब्लॉग में। सो उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हमारी कहानियों को देख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए फिर हमारे आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनिम स्टोरी की, जहां आपको आज जलपरी का एपिसोड नंबर 7 देखने के लिए मिलने वाला है। 6 आप देख ही चुके हैं, 7 आज चलने वाला है। उम्मीद करेंगे आपको कहानी काफी ज्यादा अच्छी लगे, हमारा एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा लगे। फिलहाल एनिम स्टोरी का आज का सवाल हमारा ये है कि सागर के घर में इनविटेशन देने आई हेमा आखिर किस चीज का इनविटेशन देने के लिए आई है। अगर आपको पता है तो जल्दी से जाइए और कॉमेंट में लिख दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं लव सिटी की, जहाँ पे आप लोग देख चुके होंगे हमारा रंग बदलते रिश्ते का एपिसोड नंबर 34। और एपिसोड नंबर 34 देख के आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है, मैंने आप सबके कमेंट्स भी देखे हैं, बहुत अच्छा लगा कि आपको हमारा एपिसोड इतना ज्यादा पसंद आ रहा है। तो थैंक यू सो मच। फिलहाल बनने वाला है एपिसोड नंबर 35, जो होने वाला है रंग बदलते रिश्ते का आखिरी एपिसोड। अब इस आखिरी एपिसोड में क्या होने वाला है, यहाँ छोड़ते हैं सस्पेंस और उसके बाद हम लोग नई कहानी शुरू करेंगे, बनू में तेरी दुल्हन, जो कि जल्द ही आप सभी के सामने हम लोग लेकर आ रहे हैं। सो उम्मीद करेंगे आप लोगों का हमारा आखिरी एपिसोड भी काफी ज्यादा पसंद आएगा। सो लव सिटी का हमारा आज का सवाल ये है कि गुंजन और शिखर की बेटी का क्या नाम है, पता है तो जल्दी से जाओ और कॉमेंट में लिख दो। नेक्स्ट बात करते हैं काकर टीवी की। काकर टीवी की नई कहानी आज से बनना शुरू हो गई है, जिसका नाम मैं आपको कल के ब्लॉग में बता चुकी हूँ, जिसका नाम है अमीर बहू वर्सेस गरीब बहू। अब स्टोरी क्या होने वाली है आप सभी को देखने के बाद ही पता चलेगी। फिलहाल आज से बननी स्टोरी शुरू हो चुकी है, कल तक आप सभी को काकर टीवी पे हमारी नई कहानी देखने के लिए मिल जाएगी। सो आप लोग थोड़ा वेट कीजिए। अब पूछते हैं काकर टीवी से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल। सवाल ये है कि हमारी लास्ट कहानी साजन की डोली के 5वें एपिसोड में आखिर में कल्प्रिट यानी कि अपराधी कौन निकलता है, पता है जल्दी से आके कमेंट में लिख दो। नेक्स्ट बात करते हैं हॉरर सिटी की, जहाँ पे आपने हमारे 3 हॉरर स्टोरी देखी ली होगी, नहीं देखी जल्दी से जाइए हॉरर सिटी में और हमारी कहानियों को एंजॉय कीजिए। और मैं जानती हूँ आप लोगों को कहानी बहुत पसंद आ रही है, जल्दी नई कहानी कौन सी आ रही है कल के ब्लॉग में आप सभी को जरूर बताऊंगी। फिलहाल आप सभी को हमारी हॉरर सिटी की कौन सी कहानी अच्छी लगती है कॉमेंट में जरूर बताना। एक जरूरी बात, अगर आप हमें और भी ज्यादा फॉलो करना चाहते हैं आप हमारे फेसबुक पेज पे और इंस्टा पेज पे जाकर फॉलो कर सकते हैं। ये रहा हमारा लव सिटी का फेसबुक पेज और ये रहा हमारा लव सिटी का इंस्टाग्राम पेज। जल्दी जाइए हमें फॉलो जरूर कीजिए। काका टीवी का सिर्फ फेसबुक पेज है, जल्दी से जाइए फॉलो कीजिए और हमारे हॉरर सिटी के भी दोनों पेजेस को फॉलो जरूर करें। तो दैट्स इट, अब चलते हैं हमारे लास्ट ब्लॉग में, देखते हैं हमारे पास क्या क्या कॉमेंट्स आए। तो चलिए पढ़ते हैं हमारा आज का पहला कमेंट जो कि हमारे पास आया है। साजन की डोली का कंबाइन एपिसोड देखा, कल ही देखा, इंटरेस्टिंग। ऑल्सो रंग बदलते रिश्ते एपिसोड 34 का टीजर कल ही देखा है, लेकिन ये अचानक शिखर और गुंजन के लिए क्या तूफान, पहले ही शांति है। क्या शिखर की नौकरी जाएगी या गुंजन को कोई जादू कर देगी। जी हाँ, अभी तो आपने एपिसोड नंबर 34 देख ही लिया होगा, जहाँ पे आप सभी को गुंजन का एक नया रूप देखने के लिए मिलने वाला है। अब वो वहां तक कैसे पहुंची इसकी कहानी आप सभी को बताने के लिए आ रहा है एपिसोड नंबर 35। नेक्स्ट है हमारे पास अगला कमेंट जो कि है कर्मा, शिखर के स्कूल पीटीएम में लेकर गई थी जिसकी वजह से बहुत इंसल्ट हुई। वेरी गुड, सही आंसर है। दोनों बोनों का नाम चंगू मंगू था, बिल्कुल है। दोनों जो इसमें बोने हैं उनका नाम है गबरू बबरू, अगर आपने देखा होगा। नेक्स्ट है सास नौकरानी बहुरानी, वेरी फैंटास्टिक स्टोरी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है दी, वैसे आपको इन सवालों वाला आइडिया पसंद आया, बिल्कुल पसंद आया, बहुत पसंद आया, आप लोगों को भी मजा आ रहा होगा। नेक्स्ट है सास रानी बहु नौकरानी वाली स्टोरी अच्छी है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है एनएम स्टोरी में उन दोनों बोनों का नाम गबरू बबरू है, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट है कर्मा शिखर को पीटीएम में लेकर गई थी, बिल्कुल सही। मुझे सास रानी बहु नौकरानी की स्टोरी ज्यादा अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है दी, दोनों का नाम था चंगू मंगू, गलत जवाब, गबरू बबरू नाम था उसका। नेक्स्ट है माय नेम इज अरिवल, लव सिटी का क्वेश्चन का आंसर है कर्मा शिखर को पीटीएम में लेकर गई थी, बिल्कुल सही जवाब है आपका, इसका मतलब आप लोग हमारी जो कहानी है बहुत अच्छे से देख रहे हैं। नेक्स्ट है कर्मा शिखर को स्कूल में लेकर गई थी जहाँ उसकी बहुत इंसल्ट हुई थी, एग्जैक्टली बिल्कुल सही जवाब दिया है आप सभी ने और मैं चाहती हूँ आप ऐसे ही हमारे सारे सवालों का जवाब बिल्कुल सही से दें। एंड थैंक यू सो मच जिन जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया। आप चलते हैं बिहाइंड द सीन की तरफ और देखते हैं हमारे बिहाइंड द सीन कहाँ तक पहुंचे हैं।
तो सबसे पहले आप यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है हमारा रंग बदलते रिश्ते का हमारा एपिसोड नंबर 35 जो आज से बनना शुरू हो गया है। मैं आप सभी को बता देती हूँ, ये वाला जो एपिसोड होने वाला है ये आखिरी एपिसोड होने वाला है जिसमें आप देखने वाले हैं गुंजन का नया रूप। अब गुंजन वहां से अपनी जर्नी की शुरुआत कैसे करती है इसका जो जवाब है आप सभी के लिए देने आ रहा है एपिसोड नंबर 35। तो उसे देखें। फिलहाल एपिसोड में एक और चीज़ आपको देखने के लिए मिलने वाली है और पॉसिबल होगा तो मैं आपको कल के व्लॉग में वो सीन ज़रूर दिखाऊंगी। फिलहाल कल तक आपके पास स्टोरी आ जाएगी, लव से भी पे डल जाएगी, देखना और फिर बताना कैसा लगा है और क्या शिखर की जो हालत है उसमें सुधार आ पाएगा और अगर आता है या फिर कुछ भी होता है तो वो किस तरीके से होता है, सबका जवाब हमारा ये एपिसोड देने वाला है आपको। तो उम्मीद करेंगे आप लोग वेट कर रहे हो तो आप लोगों को भी कहानी की एंडिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगे। नेक्स्ट आप इस तरफ देख सकते हो, ये है हमारी काका टीवी की कहानी, नई कहानी है जिसका नाम है हमारा अमीर बहू वर्सेस गरीब बहू। इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है, एपिसोड नंबर 1 बनके तैयार हो रहा है। कल तक आप सभी को काका टीवी पे ये एपिसोड देखने के लिए मिलने वाला है। उम्मीद करेंगे आपको एपिसोड अच्छा लगे। ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती कहानी के बारे में, फिलहाल इतना देखिए और कल तक का वेट कीजिए। तो दैट्स इट आज के व्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद करेंगे आपको हमारा आज का व्लॉग काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। फिलहाल आप लोग वेट करिए, कल तक आपके लिए नए एपिसोड आ जाएंगे। तब तक के लिए आप हमें फॉलो करते रहिए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एनिम ब्लास्ट।